उदाहरण 15। प्रश्न, दिए गए चित्र में कोण ए बराबर 40 अंश है। यदि बीओ और सीओ क्रमशः कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक हैं तो कोण बीओसी ज्ञात कीजिए। हल, चित्र क्रमांक 42 देखिए। मान लीजिए कोण सी बी ओ बराबर कोण ए बी ओ बराबर एक्स और कोण बी सी ओ बराबर कोण ए सी ओ बराबर वाई, क्योंकि बी ओ कोण बी के समद्विभाजक और सी ओ कोण सी की समद्विभाजक है। तब कोण बी बराबर 2x, कोण सी बराबर 2y। अतः त्रिभुज के कोण योग गुण से हम लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश। कोण ए का मान हम रखते हैं यहाँ पर 40 अंश, कोण बी का मान 2x और कोण सी का मान 2y हम यहाँ पर रखते हैं, तो 2x धन 2y बराबर 180 अंश। यह हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x धन 2y बराबर 180 अंश ऋण 40 अंश। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, 2x धन 2y में उभयनिष्ठ 2 कोष्ठक के बाहर निकालते हैं, तो 2 कोष्ठक में x धन y बराबर 180 में 40 घटाए तो 140 अंश। यहाँ से हम लिख सकते हैं x धन y बराबर 140 अंश बटे 2, 2 संते 14, 2 में शून्य का भाग दिए तो शून्य, तो x धन y बराबर हमें प्राप्त होता है 70 अंश। समीकरण पहला। अब फिर से चित्र देखिए, चित्र में त्रिभुज BOC, त्रिभुज BOC में त्रिभुज के कोण योग गुण से हम लिख सकते हैं x धन कोण BOC धन y बराबर 180 अंश। तो कोण BOC बराबर 180 अंश ऋण x ऋण y, या कोण BOC बराबर 180 अंश ऋण x धन y। समीकरण एक देखिए, वहाँ पर हमें मिला था x धन y बराबर 70 अंश, इस मान को यहाँ पर रखते हैं हम, तो कोण BOC बराबर 180 अंश ऋण 70 अंश, और इस तरह से हमें प्राप्त होता है कोण BOC बराबर 110 अंश। इस तरह से हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ।